गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, मैम व्हाट अबाउट यू? गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम आल्सो फाइन. गुड मॉर्निंग. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेस फ्रॉम बुक बी इन ईच सब्जेक्ट. चलिए बुक बी ओपन करिए. बेटा बुक सबको दिख रही है स्क्रीन पर? बेटा बुक सभी को दिख रही है? नो मैम. नहीं दिख रही अभी? यस मैम, दिख रही है. हाँ ठीक है, चलिए ओपन करिए. मैम नहीं दिख रही, नेटवर्क नहीं होगा बेटा इसलिए नहीं दिख रही है. शिवान्या क्या आपको बुक दिख रही है बेटा? शिवान्या आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेंस ऑर्गन की जो टॉपिक हमने पढ़ी थी बुक ए में, उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या राइट है. राइट साइड नोट ऑन दी सेंस ऑर्गन. यहाँ पे सेंस ऑर्गन का फिगर बना हुआ है. फिगर को देखते हुए आपको इन सभी सेंस ऑर्गन के बारे में कुछ ना कुछ राइट करना है. ओके, जैसे यहाँ पे ईयर है, ईयर के बारे में आप लिखोगे, फिर टंग के बारे में लिखोगे, फिर नोज के बारे में लिखोगे. सबको आया समझ में? चलिए बेटा हमें बताइए यहाँ पे बारे में कुछ सेंटेंस बोलिए. अनुष्का माइक ऑन करिए. अनुष्का जैस हुआ माइक ऑन करिए बेटा. शिवान्या यू टेल. The part of the ear that is visible outside is called external ear. It is act like a funnel that collects sound. बोले बेटा आवाज नहीं आई आपकी. चलिए बेटा बताइए अनुष्का. The ears help us hear. The part of the ear that is visible outside is called external ear. It acts like a funnel that collects sounds. These sound vibrations then pass through the ear drum of the middle ear to the inner ear. Okay, so can you tell? आप बताइए ईयर के बारे में कुछ सेंटेंस. द ईयर हेल्प अस हियर द पार्ट ऑफ द ईयर दैट हैज विजिबल आउटसाइड एंड कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर. इट एक्ट्स लाइक अ फनल दैट कलेक्ट्स साउंड्स एंड द then sound vibration and then pass through the ear and the drum of the middle ear. Okay, चलिए बेटा आप बताइए. साक्षी yes ma'am. Ear help ear the part of ear is visible out. क्या बेटा आवाज नहीं आ रही है? रुक क्यों गई? बोलिए. मेटल राजपाल. द ईयर हेल्प अस हियर द पार्ट ऑफ द ईयर दैट विजुअल आउटसाइड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर. इट एक्ट्स लाइक टू These funnels are collecting sounds. These sound visuals them are passes through the ear drums of the middle ear to the inner ear. Okay, तो आप लोग यहाँ से लेके नोट कर लेंगे ईयर के बारे में. यहाँ पे लिखा हुआ है
The ears help us hear. The part of the ear that is visible outside is called the external ear. It acts like a funnel that collects sound. These sound vibrations and then pass through the eardrum of the middle ear to the inner ear. Okay? यहाँ से नोट कर सकते हैं, जरा बड़ा मत लिखो, जितना आ जाए उतना लिख सकते हो. Yes ma'am. सबको आया समझ में? Yes ma'am. सेकंड कौन सा सेंस ऑर्गन है देख के बताइए. पिक्चर में किसका फिगर बना हुआ है? किस सेंस ऑर्गन? यहाँ पे बना हुआ बेटा फिगर टंग का. तो टंग के बारे में भी आपको राइट करना है. चलिए बताइए हमें टंग के बारे में कौन बताएगा? नम्य आइडिया. संजना. नम्य आइडिया. दैट दैट टंग है taste our tongue not only help us taste to think but enable us to speak. If you feel that if heard with tiny projection called taste bud. चलिए नुस्खा बताइए. Tongue helps us to taste and speak. If you feel your tongue, you will find that its surface is covered with tiny projection called taste buds. Naina. Mic on kari beta, bataiye hame iske bare mein, tongue ke bare mein bataiye kuch sentence tongue ke bare mein. नैना आवाज जा रही, माइक ऑन करिए. अब वीडियो ऑफ कर लिया आपने. ये सोधन यू टेल. ये सोधन माइक ऑन करिए. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट. आवर टंग नॉट ओनली हेल्प अस टू टेस्ट एंड इनेबल अस टू स्पीक. इफ you feel your feel tongues will finds that cat surface covered on the projection called taste buds. चलो बेटा आप बताइए. तन्मय माइक ऑन करिए. तन्मय ऑन द माइक. बोलो बेटा टंग के बारे में कुछ सेंटेंस बताइए. अतुल आवाज आ रही है आपको? मैम. बरखा आप बताइए. टंग हेल्प अस ऑफ टेस्ट. आवर टंग नॉट ओनली टेस्ट थिंग्स बट नॉट एनेबल टू स्पीक. If you feel your tongue, you will find that its face is covered with tiny projection called taste buds. Shivanya. The tongue helps us taste. Our tongue not only help us to taste things, but enable us to speak. If you feel your tongue, you will find that its surface is covered with tiny projections called taste buds. Okay, beta. The tongue helps us taste. Our tongue not only helps us to taste things, but enables us to speak. If you feel your tongue, you will find that its surface is covered with tiny projection called taste buds. यहाँ तक नोट कर लेंगे, okay? सब लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेंगे. जल्दी से नोट करिए फिर आगे देखते हैं. पिक कर लो बार में नोट कर लेना. नोज. नेक्स्ट क्या बेटा? नोज. नोज. चलिए बेटा आप बताइए नोज के बारे में कौन बताएगा? Yes, ma'am. हाँ बोल तो बताना. माइक ऑन के बताना. नोज हेल्प अस स्मेल एंड नोज हेल्प स्मेल एंड टेस्ट.
cavity inside the nose. The nose helps us the smell and the nose help us smell and breathe. There are the nasal cavity inside the nose. The cavity has the tiny hair like structure. They help our breathing all to the air we breathe. Then the incense particles in the air comes to connect is to their hair like structures. Anushka? The nose helps us smell and breathe. There are a nasal cavity inside the nose. This cavity has two hair like structures that help in filtering air we breathe. Mamta? The nose helps us smell and breathe. There is a nasal cavity inside the nose. This cavity has thinny hair like structure that helps in filtering the air we breathe. When we inhale, the particles in the air come in contact with these hair like structures. Shivanya? The nose helps us smell and breathe. There is a smell cavity inside the nose. This cavity has skinny hair like structure that helps in filtering the air we breathe. When we inhale, the particles in the air come in the contact with these hair like structures. Atul? यहाँ पे देखिए मेरा नोज का राइट है. द नोज हेल्प अस स्मेल एंड ब्रीथ. देयर इज अ नेसल कैविटी इनसाइड द नोज. दिस कैविटी हैज टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर एट एयर वी ब्रीथ. व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स इन द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विथ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे नोट कर लेंगे. यहाँ से नोट कर सकते हैं आप. इट हेल्प अस स्मेल डिफरेंट थिंग्स. यहाँ से नोट करेंगे. अगर इसको लिखो इसको यहाँ पर लिखेंगे. अगर नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. आज तो नहीं लिखेंगे फिर. इट हेल्प अस स्मेल थिंग्स. द सेंसरी नर्व्स हेल्प अस डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. आवर ब्रेन देन हेल्प अस आइडेंटिफाई द स्मेल. इतना कर दो या तो इतना राइट कर दो. तुम उसको कोई राइट कर सकते हो. ओके सबको आया समझ में? यस मैम. नेक्स्ट ओपन करिए. अगला पेज क्या है? केक्स एंड पेस्ट्रीज मेक अर्थीज माउथ वाटर. व्हाई? केक्स एंड पेस्ट्रीज जो है आरती के माउथ में जो उसका नेम सुनते ही उसके बारे में सुनते ही उसके माउथ में पानी आ जाता, वाटर आ जाता. आपके भी माउथ में आता होगा किसी खाने वाली चीज के बारे में आप सुनते हो कि बना हुआ है, वैसे आपके माउथ में एकदम पानी आ जाता है. आता है कि नहीं आता बेटा बताइए. अनुष्का? यस मैम. शिवान्या? यस मैम. बना होता है आप जान जाते कि बन रहा है, बस आपके माउथ में एकदम पानी आ जाता है. क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बताइए कोई. विद द हेल्प ऑफ टंग. नहीं पता? क्योंकि उसको उसका टेस्ट पहले से ही पता है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. बस इसको पहले से खा रखा है उसको, इसलिए अब जब भी बनता है वो जान जाती है कि पेस्ट्री केक बन रहे हैं तो उसके माउथ में पानी आ जाते हैं. ऐसे आप भी जो चीज पहले से खाए रहते हो
तो अगर उसका नाम सुनते हो जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, तुरंत आपके माउथ में पानी आता है, उसका स्वाद जान जाते हो। ओके, यहाँ पे नोट करिए, चलिए लाइक करवा देते हैं, नोट कर लीजिए। आदिति सा, नोट करिए, आदिति सा, and her mouth started watering. Because she recognized and recall नोट कर लीजिए। साक्षी आप थैंक यू शो कर रही हो। यशोधन माइक वीडियो ऑन करे बेटा, राइट करे कि नहीं? यशोधन राइट किया कि नहीं अभी आपने? मैम किए। आदिति सा केक्स एंड पेस्ट्रीज, उसने केक्स एंड पेस्ट्रीज देखा एंड हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, और उसके माउथ से पानी निकलने लगा, वाटर बहने लगा। बिकॉज, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल देयर टेस्ट, क्योंकि वह उसके टेस्ट को पहचानती थी। ओके, पहले से ही उसके टेस्ट को पहचानती थी, किसका टेस्ट कैसे होता है। Right, at least 3 measures to keep your eyes healthy and clean. आपको अपने आंखों को हेल्दी और क्लीन रखने के लिए क्या लिखना है? 3 उपाय लिखने हैं। ओके, कि किस उपाय के द्वारा हम अपने आंखों को हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं? चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे? मैं हाँ बोलो बेटा। Wash your eyes regularly. और while standing watching TV or working on a computer, relax your eyes at regular intervals to relax. Close your eyes for a few minutes and gently press them with your palm. Do not rub your eyes with dirty hands. चलो बेटा आप बताइए, और कौन बताएगा? राजपाल, चलिए आप बताइए बेटा। राजपाल बर्खा, बेटा आप क्या कर रही हो? मेटल स्क्रीन पे ड्राइंग क्यों कर रही हो बर्खा? यहाँ पे नेम भी लिख के आता है जो ड्राइंग पार्ट इनसाइड टू दिस आकार। आई टेल द आईज टू नॉट रब इज विथ अ डर्टी हैंड्स। द आईज आर वेरी important is to see
one may you tell? It is. आप बोले साक्षी आप ही बोलो. Wash your eye regularly. Do not rub your eyes with dirty hands. Do not watch TV or sit in the front of computer. Movie vehicle on the dim light. Anushka, you tell. अनुष्का आवाज आ रही बेटा? यस मैम. आप बताइए इसका आंसर क्या होगा. अपनी आंखों को हेल्दी एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं. वॉश योर आईज रेगुलरली. डू नॉट रब रब विथ Do not rub with dirty clothes and while reading your postures be correct. Make sure there is enough light while reading. Keep the book on foot away from the eyes. Mamta. Wash your eyes regularly. Do not rub your eyes with dirty hands while studying, watching TV, or working on a computer. Relax your eyes at regular intervals. To relax, close your eyes for a few minutes and gently press the with your palm. Shivanya. Wash your eyes regularly. Do not rub your eyes dirty while sitting, watching TV or working on the computer. Relax your eyes at regular intervals. To relax, close your eyes for a few minutes and gently press them your palms. Barkha. Do not rub your eyes with dirty hands. Do not watch TV and sit in front of a computer for a long time. Do not read while lying down in a moving vehicle. कैसे इसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं आपको ये बताना है. इसको हेल्दी और क्लीन कैसे रख सकते हैं. Wash your eyes regularly while studying, watching TV, or working on a computer. Relax your eyes at regularly intervals. To relax, close your eyes for a few minutes and gently press them with your palm. यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सारा लिखा हुआ है. आप इसमें चूज करके थ्री वे राइट कर सकते हो. ठीक है, केवल आपको थ्री ही राइट करना है. तो अपने बुक से देखिए सब लोग नोट कर लीजिए. ओके, कीप योर यस यस योर ईयर यहाँ तक है. यहाँ से आप इसमें से नोट कर सकते हैं. कर लेंगे सभी लोग. राइट करना पड़ेगा. हम कर लेंगे. हाँ ठीक है, नोट कर लो. क्या कुछ बचा हुआ अभी बुक में? हम कर लेंगे. बुक में कोई पेज? नो मैम. सबका कंप्लीट है? नो मैम. यस मैम. चैप्टर थर्ड में कहीं भी बुक ए में या बुक बी में कुछ बचा हो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो गया है. बचा कुछ बेटा? बुक ए में भी पूछ सकते हैं, बुक बी हो या कहीं भी, या वर्ड मीनिंग ना राइट किया हो अभी आप किसी ने, जिसका भी नहीं हुआ हो बोलना, सेंड कर देंगे. भी है ऐसा बेटा जिसका चैप्टर थर्ड में वर्ड मीनिंग सेंड
कर दीजिए चैप्टर थर्ड का। चैप्टर वन टू थर्ड या चैप्टर थर्ड का? थर्ड का। थर्ड का ओके। तो बेटा आप लोगों का आज चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर थर्ड वर्ड मीनिंग का टेस्ट होगा। ओके वर्ड मीनिंग भी लर्न कर लेंगे आप लोग और क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लेंगे। एक दिन वर्ड मीनिंग का होगा, एक दिन क्वेश्चन आंसर का होगा। पहले वर्ड मीनिंग का होगा, वर्ड मीनिंग का टेस्ट होगा शनिवार को, सैटरडे को। आज थर्सडे है ना, कल तो फ्राइडे, कल टर्न ही नहीं है। सैटरडे को आपका टर्न होगा ईवीएस का, सैटरडे को आप वर्ड मीनिंग सुना सभी लोग चैप्टर नंबर थर्ड की वर्ड मीनिंग। ओके यस मैम। हाँ किसी को पूछना है कुछ? नहीं ना, आप वीडियो ऑन को वीडियो ऑफ है आपका। शिखर बेटा आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है क्योंकि आपका बार बार डिस्टर्ब हो जा रहे हो, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। शिखर कहीं जाके अलग बैठो यहाँ पे नेटवर्क हो। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। सब ने कंप्लीट कर लिया बेटा? यस मैम। चैप्टर थर्ड का पीडीएफ अनुष्का ने बनाया था ना, मैं टाइम मिलेगा चैप्टर फोर का बना देना ठीक है। अभी आज ही कह रहे हैं टाइम मिलेगा तो संडे तक आप बना देना चैप्टर फोर का पीडीएफ। ओके बुक ए एंड बुक बी दोनों का अभी नहीं आज ही बनाओ, संडे तक टाइम मिलेगा बना देना क्योंकि अभी तो स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी दो दिन बाद ही स्टार्ट होगा। तब टाइम मिलेगा तो बना देना चैप्टर फोर का। अभी टाइम आपके पास 10 मिनट का है, तब तक हम कुछ रीडिंग करवाते हैं आप सभी से। चलिए रीड करते हैं आपसे, यहाँ से रीडिंग करते हैं। आवर सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू वे इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेंस। चलिए रीडिंग करिए बेटा, कौन रीड करना करेगा पहले? अनुष्का बेटा आवाज आ रही है आपको? चलिए आप ही पढ़िए। तन्मय माइक ऑन करिए। तन्मय यहाँ पे एंजल का नेम लाइट है बेटा, आप अपना नेम बैठे ज्वाइन किया करो। अभी एंजल ने क्लास लिया था ना फर्स्ट क्लास मॉर्निंग में, तुरंत आपने ज्वाइन कर लिया है, इसे आपने नेम नहीं चेंज किया, नेम चेंज कर लिया करो। चलिए पढ़िए, पावर चेंज कर लेना। Was your eye regularly? आगे well studying, watching TV or working on a computer? Relax your eye. At regular interval to relax close your eye for a knee for a few minutes and gentle लिखा हुआ, gently लिखा हुआ, gently press them with your palm. Press them with your palm. Palm is क्या होता है पता किसी को? हथेली हथेली हथेली
चलिए आगे पढ़िए, संजना आप रीड करिए. While reading your posture should be correct. Posture लिखा हुआ है. One foot away from. Makes your there is enough enough while reading. इसे पढ़िए enough enough light enough light reading keep book one. Away from the eyes. While reading, keep the book on. Book one foot away from your eyes. श्री आप करिए ममता. Do not rub your eyes with dirty hands. Mary, do not rub your eyes with dirty hands. Do not watch TV or sit in front of a computer for a long time. Do not read while lying down in moving vehicles or in dim light. Do not hold the book too close or too far from your eyes. चलिए आप करिए नैना, रीड करिए ईएस के बारे में. यस मैम. कीप योर ईयर्स क्लीन. अब नहीं आवाज आएगी. शिखर बेटा आवाज आ रही है आपको, आप रीडिंग करिए. शिखर माइक ऑन करिए. शिखर आवाज आ रही है, माइक ऑन करिए. उनको पढ़ना ही नहीं है, बोलते ही नहीं है कुछ. मेरी साक्षी रीड पढ़िए बेटा. If your ear clean, you only hear but to clean them or visit a doctor. Consult the doctor in your ears. Do not try to clean your ear with a pin, pencil, or any sharp object. Do not stick earbuds to this into the ear. Do not pour any oil. Drop in your ear without consulting a doctor. Do not listen. पढ़िए तो ये क्या लिखा है साक्षी. Consulting. क्या consulting? Consulting लिखा हुआ है. Yes, consulting. ये परामर्श लेना होता है. ठीक है, कंसल्टिंग परामर्श लेना, पूछना, कंसल्टिंग लिखा हुआ है. yes, तो एक बार पढ़िए फिर से कंसल्टिंग. कंसल्टिंग आवाज आपके नेटवर्क बहुत कम रहता लगता है, आवाज क्लियर नहीं होती. क्या पढ़ती हूँ? डू नॉट लिसन लाउड म्यूजिक.
ओके बेटा, चलिए आप लोग जो आज कंप्लीट करा गया कंप्लीट करके सेंड कर देंगे ओके। और लास्ट आप नेक्स्ट सेशन में आप सभी का प्रीवियस वर्ड्स मीनिंग का टेस्ट होगा, सब लोग लर्न कर लेंगे ओके। यस मैम, गुड बाय स्टूडेंट्स। यस।